क्या कहना चाहेंगे अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैमरा लुक प्लीज। कैमरा लुक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आप लोग ने भी देखा बच्चों ने जब शो शुरू हुआ मैं क्या बोला, बस बस करो बकवास, डांस शुरू कर दिया। तो एक्चुअली मैं वाकई में जो इन्होंने हमें कहा था डांस का बाप कहने, और ये वाकई में बच्चे डांस के बाप हैं। तो अभी तो हमने डराया था बच्चों को, ऐसे डराना पड़ता है। देखो सपोर्टिंग भी था ना, हमें पता था कि प्रेस है, प्रेस हमें सपोर्ट करेगी, तो हमने भी एक अपनी तरफ से एक दे दिया, डाल दिया, एक बॉडी डाल दी। तो एक्सपीरियंस वॉज डरावना, घबराहट से भरी हुई एक्सपीरियंस थी हमारी, और मज़ा तो आया डेफिनेटली, बट डर डर के मज़ा। कितनी बच्चा गिरी हुई, आप लोगों के भी बच्चे बाहर आ गए, लाइक ऐसा के अंदर का बच्चा जग गया होगा? आई थिंक दिस हैज बीन द मोस्ट फन सीजन फॉर अस, फॉर मी डेफिनेटली द मोस्ट फन सीजन, क्योंकि ना आप उनको बातों से हरा सकते हो, ना आप बातों से जीत सकते हो उनको, सो यू आर एवरी डे यू आर एक्सपेरिमेंटिंग हाउ टू मेक योरसेल्फ बेटर विद देम। एंड यू नो व्हाट, सर्टेन किड्स आते हैं, बेटा क्या करोगे, मैं गीता माँ के लिए एक शेर कैरी कहूँगा, मैं गीता माँ के लिए एक पोइट्री कहूँगा। अच्छा बेटा, अच्छा अब क्या कर, मैं गीता माँ को घर ले जाना चाहूँगा। तो मतलब दे आर, मतलब इतने सोच समझ के आए हुए हैं, एंड दे आर श्योर व्हाट दे वांट। तो नेक्स्ट बच्चा जो है, तो हमने पूछा ही नहीं कि बेटा व्हाट यू वांट टू, चलो डांस दिखाओ, है ना, याद है? और बाकी सारी पप्पियाँ जो आपने खाई हैं उसका क्या? यार व्हाट बॉयज पाना, कई बार होता है कि हम नॉर्मली बात करते रहते हैं और कोई आके अचानक इंटरप्ट करे तो बड़ा बुरा और गुस्सा आता है, पर बच्चों को कैसे टॉलरेट करते, क्योंकि ये तो कुछ भी कभी टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। हम रोज़ एक नया एक्सपीरियंस झेल रहे हैं, क्योंकि ये आते हैं और हमको यहाँ तक बोला गया है कि पूरा डांस देखना, बीच में काटना नहीं, क्योंकि एंड में मेरा एक मरने का सीन है, वो मैं करना चाहता हूँ। इज सचिन चौधरी, यू रिमेंबर? हाँ। तो एवरी डे यू कम प्रिपेयर्ड, कि कल उसने ये बोला था तो आज हम जवाब ये लेके जाएंगे, उस दिन कुछ और होता है। So it is a new experience every day. और दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कितनी धमाल मस्ती ये 16 बच्चे करने वाले हैं? मस्ती तो ये करते रहेंगे, धमाल डांसिंग से आ जाएगा, और बाकी एक्चुअली ये जो आप लोगों ने आज प्रोमो देखा है ग्रैंड प्रीमियर का, आई थिंक वो हमने भी पहली बार देखा है आज, एंड आई एम ओवरवेल्ड। अगर इस तरह से एपिसोड बन गया, हमको तो पता ही नहीं चला कैसे बन गया, लेकिन अगर ये एपिसोड है तो आई थिंक वी गॉट अ रॉकिंग सीजन अहेड। ओके, आप बच्चे हमें कुछ चीजें सिखा दें, ऐसी कुछ चीज आपको सीखने मिली है कि मेरे मेरा डांस फॉर्म हो सही से कि जब आप कर रहे हैं ऐसे बच्चे कुछ बोल जाते हैं, कुछ ऐसे कर जाते हैं जो हमने कभी उनसे कुछ सीखना मिलता है? टू टू देखिए, हम बेसिकली सीखते बच्चे से ही हैं, कि क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ है कि इस शो में हमने ये रखा है कि बच्चों को अपनी मनमानी करने दिया, तो बच्चों से सीखने ये मिलता है कि मनमानी में भी ना एक छोटी सी तहजीब और एक तमीज़ होती है जो इतनी बुरी हर्ट नहीं करती है, सो यू डोंट माइंड इट। तो वो सीखने मिला है कि जैसे अभी हमने किया स्टेज पे, डरा दिया बच्चों को, एक बदतमीजी की, बट उसके इट वॉज इन अ गुड ह्यूमर एक्शन। तो वो सीखने मिला हमें कि बुरा नहीं लगता मुझे अगर आप इस तरीके की बदतमीजी या मनमानी करो, सो दैट्स वन थिंग। एंड सेकेंडली आई रिमेंबर वन ऑफ द किड्स हैड कम, उसने डांस किया स्टेज, डांस चालू ऑडिशन में, एंड ही स्टार्टेड डांसिंग, तो थोड़ा घबराया हुआ था, बट ही डांस एंड देन ही डांस फॉर अ मिनट। फिर हम लोग ने बोला क्या हुआ, कन्फ्यूज क्यों है? तो उसने बोला सर ये मेरा गाना ही नहीं है। सो इट वॉज अ रॉन्ग सॉन्ग विच वॉज प्लेड, बट ही डिडंट स्टॉप। Yeah, he could have stopped, just, कि मैं डांस नहीं करूंगा, मेरा प्रिपेयर्ड नहीं है उसमें, बट ही डिड इट स्पॉन्टेनियसली। तब हमें इतना बुरा लगा, फिर उसका गाना बजाया उसने, एंड ही वॉज इनक्रेडिबल। तो ये सीखने मिला कि मुझे एक ही चांस मिला है, सिचुएशन ये है कि एक ही चांस है, इफ आई स्टॉप आई लूज, गिव ऑट, गिव इट ऑल आउट। सो आई लर्न समथिंग। आई थिंक फॉर मी द मोस्ट टचिंग इंसिडेंट वॉज, एक बच्चे से हम लोगों ने पूछा कि क्या फ़र्क है, आपको यार बच्चे को पूछा कि DID पसंद किस वजह से है, और आपको यू नो व्हाई डू यू लाइक बीइंग ऑन DID, व्हाई डू यू वांट टू बी ऑन DID? तो उसने कहा DID और डांस में क्या फ़र्क है मैम? सीधा आंसर। उसके बाद हम इतने सालों से करते आए हैं, एंड फॉर मी आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट इन दैट वे कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन DID एंड डांस। और आजकल के बच्चे जब बोलते हैं तो आई थिंक ये सीज़न उनको अलाउ कर रहा है कि जो मन में है वो बोल दो, आपको जो डांस करना है आप कर लो, एंड जस्ट इन्जॉय इट।
enjoy the experience of dance. Okay, जो judges की कुर्सी पे एक और मुदस्सर बैठते हैं उन्हें काफी miss किया आज हमने. मैंने भी बहुत miss किया. Actually हम उनको पहले episode से miss कर रहे हैं and I'm sure वो आएंगे, join करेंगे वापस. कहाँ busy है? मसूर दाल खा रहे थे. Actually plan था कि in auditions we were having Mudassar and in the main shows it was both of us but हमें उन्हें लाएंगे क्योंकि एक बच्चा missing है हमारे बीच में. हाँ यार, तो उस बच्चे को हम जरूर लाएंगे in some episodes and we'll definitely get it. Thank you so much. Where has he grown up? He has not grown up only. Haven't you seen? So actually I relate the best because जब स्टेज पर बच्चा आता है ना मुझे आई गो बैक जब शेखर कपूर और धोनी कपूर के सामने हमें खड़ा कर दिया था और बेटा अनिल कपूर भी थे हम सबको अंकल बोलते थे वो टाइम पर धोनी अंकल अनिल अंकल शेखर अंकल आज भी अंकल बोलता हूँ. अनिल जी को तो बहुत गुस्सा आता होगा. नाउ आई कॉल हिम एके. ठीक है, अनिल अंकल से अनिल भैया से मिस्टर कपूर से नाउ ही इज एके बिकॉज ही इज यंगर देन मी नाउ. ही गेट्स यंगर. या सो ही इज फिट. सो मुझे मालूम है कि जब हम स्टेज पे खड़े होते थे तो यू कैन ओनली सी आईज आई बॉल्स इंसान नहीं दिखता. करेक्ट. लिसनिंग टू यू टूवर्ड्स यू एंड उस टाइम पे जो घबराहट होती है तो आई नो एवरी चाइल्ड व्हाट दे गो थ्रू एंड उसके बाद वो क्या बोलने वाले हैं मैं इन हूँ या आउट हूँ. आई थिंक दैट इज द किलिंग मोमेंट. लाइक एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट हाथ में आने वाला होता है पेपर खुलने की देरी होती है उसके बाद सब ऑमलेट तो इट इज फ्लैट और इट्स राउंड. या सो इट्स दैट वे. तो आई रिलेटेड परफेक्टली एंड आई अंडरस्टैंड उनका डर उनका खौफ बट माशाल्लाह इस शो में बच्चे डर और खौफ उनमें है ही नहीं सर. उनमें नहीं है. हमें तो डर लगता है कि कभी कभी यू नो मैं वी स्टार्ट सम टाइम देखो बेटा आपका यू तो ऐसे देखता है क्या बोलेगा और क्या बोलोगे. हाँ बेटा आपको तो यू नो यू हैव टू पुट मोर एफर्ट. ठीक है नेक्स्ट टाइम देखना. आई थिंक इस सीजन में सबसे कम बच्चे रोए हैं. नॉर्मली जब आप उनको बोलते हो कि आप इस सीजन में सिलेक्ट नहीं हुए हो और आप अगले सीजन में ट्राई करो मोस्ट ऑफ देम सेड हाँ ठीक है विल ट्राई नेक्स्ट ईयर. सो फॉर अस आई थिंक दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एज़ वेल. या हाउ डिफरेंट वाज इट जजिंग द शो विद हिम सिंस ही इज जजिंग द शो फॉर द फर्स्ट टाइम. ही इज मैड. आई एम हैविंग अ वेरी वेरी गुड टाइम. आई वॉज वेरी मैं एक्चुअली आई वॉज नॉट श्योर कि कैसे व्हेन आई फर्स्ट डिड सुपर मॉम्स एक छोटा सा हम लोगों ने सीजन किया था एंड तब मैं श्योर नहीं थी कि कैसे ये रिएक्ट करेंगे. ऑब्वियसली आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट हिम एज माई सीनियर इन दिस फील्ड. ही इज डन मच मोर देन मी इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. तो मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी बट ही इज मेड मी एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल एंड नाउ आई एम एट होम अगेन. थैंक यू. थैंक यू.